हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जानकारी कुछ हटके पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, प्रसार भारती ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है डीडी फ्री डिश ग्राहकों के लिए। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं। तो प्रसार भारती जो है दूरदर्शन के सारे चैनल क्यों बंद करने जा रहा है, क्या वजह है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दूरदर्शन के जितने भी चैनल हैं MPG 2 सेटअप बॉक्स से, इनको बंद किया जा रहा है। ये हमेशा के लिए बंद नहीं होंगे, इनको जो है शिफ्ट किया जा रहा है MPG 4 सेटअप बॉक्स में। अगर आप लोगों को DD के चैनल देखने हैं तो MPG 4 सेटअप बॉक्स लेना पड़ेगा, MPG 2 सेटअप बॉक्स में आप इन चैनलों को देख नहीं पाएंगे। आप लोग जानना चाहते होंगे कि ऐसा प्रसार भारती क्यों कर रहा है, तो आप लोगों को हम बताएं, लगभग जो है 30 से 32 चैनल हैं MPG 2 सेटअप बॉक्स में DD के, तो इनको जो है MPG 4 सेटअप बॉक्स में शिफ्ट किया जा रहा है। और जब ये चैनल शिफ्ट हो जाएंगे MPG 4 सेटअप बॉक्स में, तो आपको 30 से 32 चैनल प्राइवेट देखने को मिलेंगे MPG 2 सेटअप बॉक्स में। तो DD फ्री डिश पर आपको अभी लगभग 60 से 62 चैनल जो हैं प्राइवेट देखने को मिल रहे हैं। तो ये 30 से 32 चैनल जो हैं शिफ्ट हो जाएंगे MPG 4 सेटअप बॉक्स में, तो ये जो स्लॉट खाली रहेगा इसकी अनुअल ई ऑप्शन होगी मार्च 2025 में। तो फिर अनुअल ई ऑप्शन में जो भी चैनल स्लॉट वेन करेगा वो DD फ्री डिश पर आपको देखने को मिलेगा, और लगभग जो है DD फ्री डिश के MPG 2 सेटअप बॉक्स में आपको प्राइवेट चैनल ही देखने को मिलेंगे। उसमें जो है सीरियल के चैनल हो सकते हैं, मूवी के चैनल हो सकते हैं, सॉन्ग के, न्यूज के, किसी भी कैटेगरी के चैनल हो सकते हैं। तो जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली न्यूज़ लेकर, अगली अपडेट लेकर। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।